दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम बात करते हैं किडनी डिसीज के बारे में। आज हम बात करेंगे कि किडनी का क्या फंक्शन है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और वो क्यों होते हैं। सो नाउडेज जो हम सोसाइटी में देखते हैं, किडनी डिसीज बहुत ही रैपिडली फैल रहा है और वर्ल्ड वाइड लगभग 4% लोगों को एक्यूट किडनी डिसीज है और वो उससे डे बाई डे लड़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली सफ़र कर रही है। किडनी डिसीज़ के बारे में जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है वो ये है कि किडनी डिसीज़ की जो फर्स्ट स्टेज होती है और जो सेकंड स्टेज होती है उसमें किडनी डिसीज़ का कुछ पता नहीं लगता है, कोई साइन कोई सिम्टम्स हमें नहीं दिखाई देता है। ड्यू टू दिस रीज़न हम कई बार पाते हैं कि सडनली पता लगता है लोगों को कि उनको किडनी डिसीज़ हो गई है या उनका किडनी फेल हो गया है या उनको किडनी के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए हैं। किडनी डिसीज़ में सेकंड स्टेज में कुछ साइन सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, बट थर्ड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स जो कि विजिबल होते हैं। तो किडनी डिसीज में आपको अपने शरीर में आने वाले बदलावों के प्रति डायरेक्टली कनेक्टेड रहने की आवश्यकता है, डायरेक्टली अलर्ट होने की आवश्यकता है। आप अपने बॉडी के किसी भी चेंज को कैजुअली ना लें, लाइटली ना लें। यदि आपको कहीं इचिंग है, आपको बॉडी में एडिमा है, आपको पेन हो रहा है, आपको किसी साइड से ब्लीडिंग आ रही है या आपका स्किन डिस्कलरेशन हो रहा है या और किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट आप फील करते हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप अब वीडियो को देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आइकन बेल बजाएं और अपने फ्रेंड से भी मेरा वीडियो शेयर करें, बिकॉज प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर ऑफ द किडनी डिसीज। किडनी डिसीज होने के बाद एक मैनेजमेंट है और आपको होल लाइफ उस मैनेजमेंट पे रहना पड़ता है। तो किडनी के बारे में कुछ फैक्ट, कुछ साइन सिम्टम्स आप समझेंगे तो उससे आप बच पाएंगे। किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन में हेल्प करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, सोडियम लेवल मेंटेन रखता है, प्रोटीन लेवल मेंटेन रखता है और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर के अंदर जो गंदगी इकट्ठी होती है या जो गंदगी मेटाबॉलिक और प्रोडक्शन के बाद जो गंदगी लिक्विड फॉर्म में आती है उसको पूरा किडनी ही साफ करती है। तो किडनी का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और किडनी के बारे में जो आजकल चीज़ें हैं जो रैपिडली चीज़ें बदल रही हैं, फूड एक डायरेक्टली रोल प्ले करता है। यदि आप बैड क्वालिटी का फूड लेते हैं सो वो डायरेक्टली आपके किडनी डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लाइक जंक फूड, लाइक पैक फूड, प्रिजर्वेटिव वाला फूड या कोई भी उस तरह का फूड जो कि नेचुरल नहीं है, उसको रिफाइंड किया गया है या उसको उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करके उसको बनाया गया है, तो आप उससे ज़रूर बचें। सबसे बड़ी जो सिम्टम्स हमने देखे हैं, जो कॉमनली सिम्टम्स देखे जाते हैं किडनी के बारे में, किडनी डिसीज़ में, वो हम डिस्कस करते हैं। इचिंग हो सकती है आपको, बॉडी में आपको खुजा हो सकती है, इचिंग जिसको हम कहते हैं, और आपको सोने में दिक्कत हो सकती है, मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होगी, टूट टूट के नींद आएगा और आपको घबराहट हो सकती है। पुअर कंसंट्रेशन, मतलब आप एक चीज़ को पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, उसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे और रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। मस्कुलर क्रैम्प्स देखे जाते हैं, बॉडी में क्रैम्प्स आ सकते हैं आपको। फंक्शनल वीकनेस देखी जाती है, जनरली किडनी पेशेंट जो होते हैं उनमें थकान बहुत जल्दी होती है, थोड़ा सा काम करने के बाद पेशेंट सफोकेशन, डिजीनेस, टायर्डनेस ये सब महसूस करता है। नोजिया वॉमिटिंग देखा जाता है, आपको उल्टी हो सकती है, नोजिया फीलिंग हो सकती है आपको, और मेटेलिक टेस्ट, जो आपका खाने का स्वाद है वो बदल जाता है, मेटेलिक टेस्ट हो सकता है। लोअर एब्डोमन रीजन जो आपका पेट का निचला हिस्सा है उसमें आपको दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं और दर्द जो है वो फ्रीक्वेंट रह सकता है, ऑन ऑफ भी हो सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत कॉमनली लोअर एब्डोमन पेन देखा जाता है और यूटीआई इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी आपको आ सकता है। इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब आपका बीपी बढ़ेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, आपका ईपीओ प्रोटीन बढ़ेगा, आपका सोडियम का लेवल बढ़ेगा, आपका प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। तो किडनी डिसीज में जनरली ये लेवल आपके इंक्रीज हो जाते हैं।
और लेग एडिमा बढ़ेगा, मतलब आप जब सुबह उठेंगे तो आपको ज्यादा सूजन होगी, फेस आपका एडिमा, फेस पर एडिमा दिखेगा, मतलब फेस पे सूजन दिखेगी, आपका बॉडी भारी रहेगा और पैरों पे आपको सूजन दिखाई देगी। लेकिन डे प्रोग्रेस करने पे कई बार देखा जाता है कि स्वेलिंग कम हो जाती है, या जब आप ट्रेवल करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग यदि बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है तो ये एक सिम्टम साइन हो सकता है, आप डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें। आपको एनीमिया हो सकता है, मतलब ब्लड सेल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किडनी पे डिपेंड करता है, तो यदि आपको किडनी डिसीज है तो आप में WBC की कमी हो सकती है, आपको एनीमिया रिपोर्ट हो सकता है। डिसकलरेशन ऑफ स्किन बहुत देखा जाता है पैच के रूप में, पुअर एपेटाइट, आपको भूख बहुत कम लगेगी, और जो किडनी की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो आपको UTI हो सकता है, जो कि मैंने पहले बताया, किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी में सिस्ट हो सकता है, मींस किडनी में आपको गांठ हो सकती है, नेफ्राइटिस हो सकता है, मींस आपके नेफ्रॉन्स जो होते हैं जिनका काम फिल्ट्रेशन है, छानना है, उनमें स्वेलिंग आ सकती है, तो फिर बॉडी में आपको एडिमा दिखेगा। क्रॉनिक किडनी डिसीज हो सकती है आपको, जिसमें आपकी किडनी की फंक्शनिंग बिल्कुल कलेप्स कर जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है, और किडनी फेल फेल होना, मतलब ये तो लास्ट स्टेज है। प्रिवेंशन में यही है कि आप सॉल्ट कम कर दें, BP और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करें अपना, प्रोटीन लेवल, यूरिक एसिड लेवल, ये सब कंट्रोल रखें, बाहर का गंदा खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि वो आउटसाइड फूड से उन्हें इन्फेक्शन हो जाते हैं और किडनी डिसीज होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो किडनी के लिए डायरेक्टली पॉइजन का काम कर रहा है नावाडेज, वो आपके पेन किलर हैं। कोई भी दर्द की दवा, कोई भी स्टीरोइड्स, कोई भी सेडेटिव्स बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के, विदाउट डायग्नोसिस, मतलब जब तक रोग की पहचान ना हो जाए, आप ना लें। सेफ पेन किलर पे जा सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, बट डॉक्टर हैज टू डिसाइड द पेन किलर। आप अपने से डिसाइड ना करें, पड़ोसियों से पूछ के पेन किलर ना लें, दोस्तों से पूछ के पेन किलर ना लें, रिश्तेदारों से पूछ के पेन किलर ना लें। सबका डिसीज अलग है, सिम्टम्स अलग है, जेनेटिक कोड अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है, तो उसका इलाज भी सेपरेटली होगा, अलग ही होगा। थैंक यू वेरी मच।